हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज हम बात करने वाले हैं पेट में होने वाले दर्द और उसके उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान के चलते हम अनेक रोग से पीड़ित रहते हैं, लेकिन उसमें पेट दर्द होना एक आम बात है। कभी कभार भारी खुराक, गैस या फिर हजम न होने वाले खुराक से पेट दर्द होना एक आम बात है, लेकिन बिना वजह किसी विशेष हिस्से में दर्द होना किसी बीमारी की ओर इशारा हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पेट दर्द के कुछ सरल उपाय के बारे में, जिसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद होती है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। पेट दर्द के लिए सबसे पहला और आसान उपाय है, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से मसल कर खा ले और ऊपर से थोड़ा हल्का सा गर्म पानी पी ले, इससे पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा उपाय है, अदरक और नींबू के रस में आधा चम्मच काली मिर्च मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। तीसरा उपाय कुछ इस प्रकार है कि अदरक का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पानी के साथ पीने से पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। पेट दर्द के लिए चौथा उपाय है, जीरा और धनिया दोनों को बराबर मात्रा में ले और उसे हाथ से मसल कर 1 ग्लास पानी में रात को भिगो कर रख ले। उसमें सुबह 1 चम्मच मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से पेट दर्द में होने वाली जलन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पांचवा उपाय है, जिन लोग को पेट में हमेशा दर्द रहता है उनको सूंठ, तिल और गुड़ को बराबर मात्रा में लेकर दूध के साथ सुबह शाम लेने से पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही आपको पेट दर्द होने पर खाने पीने में काफ़ी सावधानियां रखनी होती है, जैसे ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, डेयरी उत्पादक, क्रीम, मीट जैसे खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। ज़्यादा तीखा, तला हुआ या कैफीन द्रव्य का सेवन ना करें। इसके बावजूद आपको पेट में गंभीर दर्द होना या फिर दर्द कई दिनों तक रहना, मतली और बुखार होना, मल से खून आना या फिर पेट में जलन होना, ऐसे में आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।